नीतीश कुमार के आगे बीजेपी का सरेंडर। झारखंड में इतनी सीटें देने को तैयार। नीतीश कुमार सरयू राय ने मिलकर कर दिया बड़ा खेल। जब से भाजपा केंद्र में कमजोर हुई है, नीतीश कुमार लगातार भाजपा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे रहे हैं। पहले बिहार के लिए हजारों करोड़ों का विशेष पैकेज लिया और अब झारखंड में एनडीए के तहत जेडीयू चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सहप्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने भी साफ कर दिया, सरयू राय ने भी मौके पर चौका मारा, अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया और अब विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिस आजसू के सहयोग से भाजपा 2014 में सत्ता में आई, ज़्यादा सीटों की मांग के कारण 2019 में गठबंधन टूट गया और इसलिए एनडीए सत्ता से बाहर हुई। अगर पिछले चुनाव में आजसू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ती तो शायद इस वक्त राज्य में एनडीए की सरकार सकती थी। इसके बावजूद इस बार भी 8 से ज्यादा सीट देने को बीजेपी आजसू को तैयार नहीं, लेकिन झारखंड में जेडीयू के साथ गठबंधन करने को तैयार है। मतलब साफ है, नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी बन चुके हैं। अगर नाराज हुए तो केंद्र में भाजपा की सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। झारखंड में एक बार फिर से भाजपा और जेडीयू का चुनावी तालमेल होने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सीटें मिलना तय है, इस पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसे नीतीश कुमार के बढ़ते प्रभाव का असर माना जा रहा है। हालांकि जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसको लेकर बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है जेडीयू को बीजेपी 2 से 4 सीटें तक दे सकती हैं। पहले भी जेडीयू ने झारखंड में लड़ा था बीजेपी के साथ चुनाव, कई उम्मीदवार बने थे विधायक। इससे पहले वर्ष 2005 और 2009 के विधानसभा में भाजपा के साथ तालमेल कर जेडीयू ने बेहतर परिणाम हासिल किया था। 2005 में जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी, जबकि 2009 में 2 प्रत्याशी विजय हुए थे, तमाड़ मांडू बागमारा छतरपुर देवघर में जेडीयू प्रत्याशी जीतते रहे हैं। प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों में जेडीयू के विधायक मंत्री भी रहे हैं। आखिर भाजपा ने क्यों किया समझौता? सबसे बड़ी वजह इस वक्त केंद्र में बीजेपी सरकार या यूं कहें एनडीए सरकार जेडीयू की बदौलत मजबूती से टिकी हुई है। अगर नीतीश कुमार नाराज हुए तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। और दूसरा वजह झारखंड की सियासत के एक बड़े नाम सरयू राय हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत कर सरयू राय सीधा भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ निर्दलीय चुनावी रण में उतरे, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को परास्त भी कर दिया। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ दिन पूर्व ही सरयू राय जेडीयू में शामिल हुए और यही वजह है भाजपा को जेडीयू के शर्तों को मानना पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने बड़े ही रणनीति के साथ सरयू राय को अपने पाले में किया है। भाजपा को डर है यदि वह जेडीयू के साथ सीट शेयर नहीं करेंगी तो जेडीयू सरयू राय को लेकर झारखंड में भाजपा का खेल खराब कर सकती है। कहा जा रहा है भाजपा सरयू के लिए जमशेदपुर पूर्वी सीट छोड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को मैदान में उतारा था, जिन्हें सरयू राय ने पराजित किया था। रघुवर दास अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, इसलिए भाजपा यहां से जेडीयू को चुनाव लड़ने दे सकती है। वैसे भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जेडीयू कुल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इतना लगभग तय है जमशेदपुर पूर्वी सीट जेडीयू को ही मिलेगी और जेडीयू के उम्मीदवार सरयू राय होंगे। इसके साथ ही खबर ये भी है कि बीजेपी जेडीयू को 2 से 4 सीटें तक दे सकती हैं।